सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए किसान अपने खेत में फसल को एक एक मीटर की दूरी में रहकर काटते। देश में महामारी कोरोना वायरस को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने आपस में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अपील की थी, जिसमें बाद भारत में लॉकडाउन में जैसे मेडिकल स्टोर, रोजमर्रा की जरूरतों की दुकानें, फल और सब्जी की दुकानों पर गोला बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, वहीं आज इन सब के बीच एक नई तस्वीर सामने आई है। यहाँ किसान अपने खेतों में गेहूं काट रहे हैं, यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले को अपनाया जा रहा है, जिसमें अपने खेत में एक मीटर की दूरी से अपनी गेहूं की फसल को काट रहे हैं। वहीं किसानों ने बताया कि हमने टीवी पर देखा था, मोदी जी ने कहा था कि एक मीटर की दूरी से अपना काम करें, उसी हिसाब से हम दूर दूर होकर काट रहे हैं और घर जाने से पहले हाथ भी धोते हैं, साबुन से अच्छे से धोते हैं, फिर अंदर जाते हैं। पेश है उन्नाव से साहबान मलिक की यह खास रिपोर्ट। बोले थे, कहा था कि एक एक मीटर दूरी से अपना अपना काम जो करें, जब भी काटना है तो दूर एक एक मीटर से रहे, तो उसी हिसाब से हम दूर दूर से काट रहे हैं। घर जाते हैं कैसे, क्या सफाई? घर जाते हैं तो घर के पहले बाहर ही हाथ पैर और साबुन से धुल के तब अंदर जाते हैं। बताओ, मोदी जी ने कहा था ना कि अपनी खेतों में अगर गेहूं कटाई करनी है तो दूर दूर रहकर एक एक मीटर पे गेहूं काटते हैं। हमने टीवी पर देखा था, इसीलिए हम दूर दूर रहकर गेहूं काटते हैं। तो जब यहाँ से काम करके आते हो आप लोग घर, तो सीधे इससे अंदर जाते हो कि सफाई पाई? नहीं, हाथ पैर धुल कर तब जाते हैं, साबुन से धुल कर तब जाते हैं हम लोग। Thank you.